हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम लोग हमेशा से करते हैं, कमेंट में से किसी एक कमेंट को उठाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये रिसेंट कमेंट है। रिसेंट कमेंट में इन्होंने एक फिर से एक दिया है। इनका पहले एक देखा जा चुका है, सोल इमोर्टल सोल जी का। मिशन तैयारी, इनका भी देखा गया है, शायद नहीं देखा गया है, चलिए इनको भी देखा जाए। दत्ता कानपुर से, कोलकाता से, ठीक है, इनका देखा जाएगा। और धृति गर्ग, ये तो अभी बहुत छोटी हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। और ये कौन है, 2008 प्रदीप, ठीक है, इनको भी देखा जाए। इनके अभी तक एक एक कमेंट आ चुके हैं। तनुका 1999 कोलकाता, इनके भी दो हो चुके हैं, ठीक है। और ये कृष्णा किशन तिवारी छे छत्तीसगढ़ से, इनका भी देखा जाएगा। धेतीगर दो बार हो गए, ठीक है, धेतीगर जी आपका भी देखा जाएगा। ये तो अभी बहुत छोटी हैं, जो मोरबी गुजरात से, ओके ओके, ठीक है। एलिना जी, जी थैंक यू सो मच, आपका भी देख लिया गया है। धृतिगर एक बार और, धृतिगर आप एक्चुअली छोटे हैं अभी बहुत, 2023, बट ठीक है, हम आपको ओवरऑल बता देंगे, ठीक है। सौरभ जी आपका पहले देखा जा चुका है एक बार, आप लेकिन फिर से डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। अजय जी आपका बना दिया गया है, ठीक है। कपिल एस्ट्रो, ठीक है, आपका भी एक चार्ट और हो गया। डिटेल आपने दिखा लिखा कि नहीं, ओके, डिटेल लिख दिया है। राकेश नाम है आपका और आप पंजाब से, ठीक है, चलो इनमें से किसी एक को पिक किया जाए। मानसी जी आपने अभी भी डिटेल अपना नहीं लिखा है। धृतिका जी का फिर से आ गया। रामावतार जी आपका हो चुका है। मनीष वर्मा जी, डीपली विवेचना, एक तो टाइम बिल्कुल 6 बजे लिख दिया है आपने, और डीपली विवेचना नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है। अभी तो आप ऐसे ही देखो, ट्वेल्व हाउस को बताते बताते आप देखो सारे वीडियोज़ आधे घंटे से ऊपर के होते हैं, लगातार बैठ के बनाते हैं, तो 3 से 4 चार्ट में ही हम 2 घंटे से ज़्यादा निकाल देते हैं, समझने आप तो एक जगह बैठे बैठे बनाना होता है। कपिल जी फिर से आ गए, ठीक है, चलिए। आप एस्ट्रोलॉजी से भी हैं कपिल जी, और आपके 2 कमेंट आ चुके। सबसे ज़्यादा धृति गर्ग जी का है, जो छोटी हैं अभी, 2023 बर्न, ठीक है। तो आइए 2023 पहले धृति जी का ही देख लेते हैं, जो भी पहले आ गया, चलिए इन्हीं को देख लेते हैं, इसके बाद आपका देखेंगे, ठीक है। तो जी आपका सैयद इमाम शाह जी पाकिस्तान से, आपका देखा जा चुका है ना। अच्छा, आपका देखा गया था, आपकी वाइफ का, आपके बच्चे का शायद ऐसे देखा गया था ना। आपको कुछ और भी पूछना है, क्या पूछा था, काम और शादी के बारे में, ठीक है, ये भी देख लिया जाएगा। चलिए तो पहले हम लोग इनका स्टार्ट करते हैं। ये हैं धृति गर्ग, 20/2/2023। टाइम नहीं लिखा आपने, नो नो, बहुत अच्छे। धृति गर्ग, तो धृति गर्ग जी 20 फरवरी 2023, 9:09 AM मोरबी गुजरात, और ये फीमेल, तो एक बार देख लेते हैं, 20/2/2023, ठीक है, मोरबी गुजरात, 9:09 AM हो गया, सब सही है। धृति गर्ग जी के बारे में पढ़ते हैं, ये इसी साल आई हैं, ये 2023 में हैं, तो ये बहुत छोटी होगी, ओके। ये बहुत प्यारा चार्ट अब आप लोग के सामने। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग पहले हाउस से जानते हैं
कि कौन कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिए जरा एक बार, फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में उच्च का शुक्र बैठा है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी, ठीक है, बहुत खूबसूरत, ठीक है, शुक्र उच्च के लगन में बैठे हैं, बहुत खूबसूरत, ठीक है। सन और मून सर डिसीज़न लेने में दिक्कत करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कंफर्म, ठीक है, एक क्योंकि यहाँ पे सन देख रहे हैं और प्लस अपने स्वगृह जुपिटर है, ठीक है, धार्मिक लड़की होगी, दिखने में बहुत प्यारी होगी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगी, ठीक है, और ये निकाल ले जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छा, इसका संयोग भी बन रहा है, बहुत प्यारा, ठीक है। अच्छी बात है कि ये मंगल यहाँ बैठे हैं, ये इमोशनली फूल नहीं होते लोग, ठीक है, जब तीसरे घर में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठे हों तो ये लोग जल्दी इमोशनली फूल नहीं बन पाते, ठीक है। अब यहाँ पे ये मून का होना मतलब ये इसलिए बेटर हो जाता है क्योंकि अगर सिर्फ सन यहाँ होते तो इनको आँखों में दिक्कत होती, लेकिन क्योंकि मून बैठ गया तो इनको थोड़ा ठंडा कर दिया है, इसलिए अभी आँखों की दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। ये अच्छी चीज़ दिखाई है यहाँ पे मून ने भी, ठीक है, सैटर्न के साथ है, सनी के साथ है, ठीक है, तो थोड़ा सा पापा से किसी बात पे कहासुनी होने रहता होगा, अभी तो बहुत छोटी है, ठीक है। अब देखेंगे, सनी है, सनी की तीसरी दृष्टि बनेगी यहाँ पे इनकी फैमिली पे, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत इनकी फैमिली में इनकी बातों को चीज़ों को लेके है, इसको लेके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चौथे घर के स्वामी जाके बैठे हैं 12th हाउस में, ठीक है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेंगी ये, ठीक है। और आइए देखते हैं इस घर में और कौन देख रहा, यहाँ से मरकरी देख रहा, तो बचपना है, प्यार में किसी वजह से बचपना दिखेगा इनके, ठीक है, ओके। अब जुपिटर की पांचवी दृष्टि भी है यहाँ पे, मरकरी भी देख रहे हैं, तो बचपना रहेगा, कोई एक प्यार आएगा लाइफ में इनके, लव मैरिज है कि नहीं वो यहाँ से देख लेते हैं। 6/4/12, बहुत अच्छी लड़की है ये, धार्मिक है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत प्यारी है, ठीक है। और मून का और आपके बुध का कनेक्शन नहीं है लगन से, तो इनडायरेक्ट कोई रिश्ता वो नहीं बन पा रहा, मतलब लव मैरिज का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स के हिसाब से चल रहा। अब आते हैं इनके, बताई दिया गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ठीक है, यानी बिजनेस वर्सेस हो गए के बारे में भी हो गया। अब इनके नेचर कैरेक्टर ये सब जानने की तो अभी बहुत छोटी हैं, इनके जो भी घटनाएं होंगे उनको भी बताएंगे तो अभी पता नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस घर को बस एक बार देख लेते हैं कि 7th हाउस को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। सनी देख रहे हैं बस एक बार यहाँ पे, तो क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है ना तो उनको परिश्रम ज़्यादा करना ही पड़ता है, इसलिए सनी की यहाँ दृष्टि इनको मेहनत के बाद जॉब दिलाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, इनसे आराम से आप तैयारी करवाइएगा, ठीक है। सनी का यहाँ हो जाने का मतलब है इनके बर्थ के बाद आप लोग सिटी बदल सकते हो, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये अपनी जगह पे कम रहेंगे अपने बर्थ प्लेस पे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है, किसी वजह से जाओगे, शहर बदलोगे या कुछ भी करोगे तो हो सकता है आप लोग शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि इनका शिफ्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है इनको, ठीक है। उसके बाद 8, 7, 1, 8 और 4 मंगल का इफेक्ट है, तो मंगल के इफेक्ट को भी देख लेते हैं। तो मंगल का 4, 7 और 8 इफेक्ट देख लेते हैं। तो मंगल का इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है, ये थोड़ा सा एक्सीडेंटियल होते हैं, तो एक्सीडेंट से इनको बचा के रखिएगा, ठीक है। अभी मंगल इनके यहीं पे है, ठीक है, जुलाई के बाद यहाँ आएगा, तो जुलाई के बाद आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान देना है बच्चे पे, ठीक है, चोट लगेगी, ठीक है। तो मंगल का यहाँ पे, मंगल यहाँ पे आएंगे, अभी मंगल की यहाँ पे दृष्टि है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तो इस चीज़ को बचे। फिर यहाँ पे अब मंगल की ही राशि है, भाग्य भाव में देखेंगे,
तो ये अच्छी बात होगी। लड़के भाग्य लेना वो तो लेंगे ही, क्योंकि इनके गवर्नमेंट जॉब के चांस बन रहे हैं। सनी तैयारी करवा रहा, मतलब मेहनत करवा रहा, तो मेहनत तभी कोई करता है जब वो लड़के लेता है, ठीक है। तो यहाँ मंगल ने अपना दूसरा काम कर दिया, ठीक है। ये शत्रुओं को, शत्रुओं पे मतलब कह सकते हो आपकी विजय प्राप्त करने के लिए भी माना जाता है जगह, ठीक है। तो क्योंकि राहु देख रहे हैं वो एग्रेसिव हैं ही, प्लस आपको उनको मंगल का साथ मिल गया, तो वो शत्रुओं को, अपने शत्रुओं को तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ेगी, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है यहाँ से, ओके। लेकिन शनि का भी दृष्टि है यहाँ पे, तो थोड़ा एक दिक्कत ये भी हो सकता है कि इनको कोई कोर्ट केस, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो अच्छी बात है, तो कोर्ट केस भी देखेंगे, ठीक है। और जब शनि ऐसा करते हैं ना, शनि देखते हो तो ये आईएएस पीसीएस वाले रैंक जाते हैं, क्योंकि लॉ से रिलेट कर जाते हैं शनि, ठीक है। यानी बड़ी पोस्ट लेते हैं ये लोग, ठीक है, बड़ी पोस्ट लेते हैं। फिर मंगल की यहाँ पे दृष्टि जब होती है इस घर पे, दसवें घर में, पिता वाले घर पे, तो थोड़ा दिक्कत देता है पिता को। और कोई और देख रहा, राहु भी देख रहा, तो थोड़े पिता को इनके हेल्थ इशू हो सकती है, पिता को अपने इनके सही से रहना होगा, और पिता से इनका कनेक्शन भी ठीक से बना के रहना है, ठीक है, रहना है, क्योंकि इनका कनेक्शन पिता से बहुत बेटर नहीं दिखा रहा। एक ये भी रीज़न दिखा रहा, फिर राहु का यहाँ से और मंगल का यहाँ पे दोनों का देखना भी दिखा रहा, ठीक है। तो कनेक्शन में थोड़ी कमी दिखाएगा पिता से, उसको आप प्यार से रखेंगे अभी ही, तो चीज़ों को समझ के तो हो जाएगा बेटर, ओके। राहु और मंगल दोनों का हल्का फुल्का, क्योंकि इनका राहु, इनका मंगल बहुत है, अच्छा है मंगल इनका, तो मंगल के लिए आप इनका, और शनि भी यहाँ बैठा हुआ है, तो दोनों केस में शनि इनका ठीक नहीं है, तो दोनों केस में आप हनुमान चालीसा जाके, हम जैसे हम हमेशा बताते हैं, हनुमान चालीसा की जाप करवाइए, ठीक है। और गुरु की कंडीशन बहुत अच्छी है दोनों ही, गुरु का तो आप इनको स्टोन भी पहना सकते हो बड़े होने के बाद से, ठीक है, क्योंकि इनका कंडीशन बहुत अच्छा है, ये हमेशा इस पूरे चार्ट को और बेहतरीन बनाते रहेंगे, ठीक है। तो गुरु अगर अच्छा हो गया तो भी ये चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु तमीज़ भर देता है पूरा, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य पे गुरु की भी दृष्टि है, ठीक है, तो भाग्य बहुत अच्छा है, चार्ट बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, राहु और केतु का कंडीशन बहुत अच्छा है, ये लड़की एस्ट्रोलॉजी भी जानेगी, ठीक है, ये समझेगी एस्ट्रोलॉजी भी, ओके। केतु का यहाँ होना, ये बहुत डीप रहस्य जानते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी को दूसरे तरीके से देखेगी और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएगी। ये पोजीशन बहुत अच्छा होता है केतु का इस मामले में, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ से केतु, ये भी डीप रहस्य का है, ये भी डीप रहस्य का है, ठीक है, प्लस इसकी दृष्टि जो पड़ रही है, ये भी एक कह सकते हो छुपे हुए रहस्यों का है। और फिर यहाँ पे खुशियाँ हैं, ये राहु और केतु एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे राहु का यहाँ होना, शनि का यहाँ देखना ही थोड़ा सा आप इनके फैमिली इश्यूज क्रिएट करवाएगा, तो आपको हनुमान चालीसा करवाना है, ठीक है, हनुमान चालीसा करवाइएगा। और गुरु का इनको स्टोन पहना सकते हैं, ठीक है, बेटर रिजल्ट आएगा। ओवरऑल इनका चार्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगी फॉर श्योर, और अच्छी जॉब भी लेंगी, ठीक है। नौमास चार्ट को देख लेते हैं, नौमास चार्ट में ये तीनों इम्पोर्टेंट घर होते हैं नौमास चार्ट में, ठीक है। अब यहाँ इस समय है नीच का मंगल है, ये इसकी दृष्टि बन रही है यहाँ पे, ठीक है। मून नीच का हो गया है, शनि के साथ हो गया है, ठीक है। ये दुख दे रहा है क्या परिवार वाले घर में ऑलरेडी, ठीक है।
थोड़े से 9 मास में दिक्कत दिखा रहा है इनके। एक चंद्रमा ख़राब हो गया है, दूसरा मंगल ख़राब हुआ है। ठीक है, हमको ये तीनों घर से स्पेशली मतलब होता है। तो इस घर पे एक तो आपका चंद्र मंगल देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा ना? नहीं देख रहा, चलिए ठीक है। झूठ मूठ में गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि इनका आप देखेंगे लगन में तो राहु यहाँ बैठा है और शनि की दृष्टि है, तो ये मुंह से ऐसे होंगे कुछ बुरा बोल दिया करेंगी। वही 9 मास भी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि नीच का मंगल देख रहा है लगन पे। तो इनकी भाषा को थोड़ा संभाल के प्यार से सिखाइएगा, प्यार से बात करना। गुरु को अच्छा करेंगे ना तो ये चीज़ कंट्रोल होगी, ठीक है। गुरु उनका बेटर है, भी बहुत बेटर है। यहाँ भी गुरु अभी बैठा है मून के साथ, गज केसरी योग बोलते हैं इसको, लेकिन जब शनि मंगल के साथ बैठते हैं तो इस घर से दुखियाँ, मतलब ऐसा है ना कि ये लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो 9 मास में दिखाने का मतलब ये मैरिड लाइफ को दिखाता है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत इनकी मैरिड लाइफ में है, बट थोड़ी है, क्योंकि ये घर बचा के रखा गया है और ये बचा होना चाहिए, ठीक है। पहला घर यानी शुक्र, शुक्र राहु के साथ है और इस पर दृष्टि बच गई, किसी की नहीं। भाग्य भाव में सन भी देख रहे हैं, ये भी अच्छी बात होती है। घर बनाना, गुड, चलिए ठीक। थोड़ी बहुत दिक्कत है बट इस ओके, अभी लाइफ इनकी बहुत है और चीज़ें सुधरेंगी बहुत, क्योंकि आपने पहले दिखा लिया है तो अब चीज़ें सुधर जाएंगी। तो गुरु का आप हमेशा ध्यान रखें हैं गुरु का, और जो शुक्र होते हैं, जो उच्च शुक्र होते हैं, ये उच्च पद भी ले जाने की कोशिश करते हैं, और ये क्योंकि बहुत गुड लुकिंग होंगी तो ये घर भी एक्टिव करवा देगा चंद्रमा, सॉरी वीनस। अब वीनस मतलब शुक्र, ठीक है। अब इन दोनों का कनेक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि ये मोबाइल पे भी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ये थोड़ा सा बचाएंगे, इनको सही दिशा दिखाएंगे, ये गवर्नमेंट जॉब लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा चार्ट है, ये दोनों कंडीशन बहुत बेटर बना हुआ है इनका, जो कि होना भी चाहिए। हमेशा लगन को बेहतरीन होना चाहिए और लगन इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत अच्छा काम, सब कुछ बढ़िया, बस इनके फैमिली वाले घर में थोड़ी दिक्कत और भाषा में कंट्रोल, इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में शनि की दृष्टि है ये, ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ये शनि की दृष्टि है, तो शनि जब यहाँ देखते हैं तो कोर्ट कचहरी, ठीक है, यहाँ जब देखते हैं तो परिश्रम, और यहाँ जब देखते हैं तो भाषा में थोड़ी दिक्कत देते हैं और परिवार में दिक्कत देते हैं, तो वो दिख रहा है, वो चीज़ आप देखेंगे कि इनका होगा, उसको सही किया जा सकता है अच्छे पेरेंट्स बन के, ठीक है। और क्योंकि आप चार्ज दिखा चुके हो तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे, शनि का उपाय लेंगे, ठीक है, शनि का उपाय लेंगे, ठीक है। राहु के लिए लेफ्ट थेरेपी होती है, जितना हंसेंगे उतना बेटर रहेगा राहु, ठीक है। जुपिटर आपको मालूम ही है, इनका स्टोन भी पहन सकते हैं, और बृहस्पतिवार का फास्ट रखेंगे, तो इससे क्या होता है सबसे अच्छी चीज़ कि जो बृहस्पतिवार का फास्ट रखते हैं लोग कम एज से ही, ठीक है, अभी तो बहुत छोटी है फिर भी, मतलब थोड़ा बड़े हो जाने के बाद रखते हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ की दिक्कत ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छा हस्बैंड देने के लिए गारंटी होती है ये, ठीक है, किसी को भी बता रहे हैं एकदम श्योरली बात। इनकी अच्छे भक्त लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी जाती है, ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, अब जो बताया था उनकी वीडियो बनाया जाए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। जब तक YouTube से पेमेंट नहीं आएगा तब तक मेरा राहु बहुत ख़राब काम करेगा मेरे साथ, क्योंकि हम ये सब चीज़ें फ्री में कर रहे हैं, ये विद्या है जो नहीं पसंद आती इन लोगों को, ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।